जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज जो तकरीबन काफी दिनों से हिजाब पे जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पूरे मुल्क के अंदर, जिसकी शुरुआत कर्नाटका से हुई थी और उस पर कई दिनों तक बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट ने हुड़दंग की, हमारी बच्चियों को परेशान किया, देश के संविधान का मजाक उड़ाया, देश के कानून का मजाक उड़ाया, और तमाम लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो मसला सब्जुडाइज हो चुका था, कर्नाटक हाई कोर्ट को फैसला करना था और आज सुबह तकरीबन 10-11 बजे के बीच आज उसका जजमेंट आया उस पर। वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है, वो कहीं ना कहीं ना उम्मीद करने वाला है, वो कहीं ना कहीं देश के संविधान के विरुद्ध लगता है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 का उल्लंघन लगता है, कि जो आर्टिकल जो अनुच्छेद ये कहता है कि हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से या अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कपड़े पहनने की, बोलने की, रहने की इजाज़त है। तो आज जो जजमेंट आया है वो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं कोर्ट की चूक हुई है कि कोई भी हमारी बच्चियां या कोई भी हमारी बहनें या लड़कियां वो अपनी मर्जी से जो चाहती हैं वो पहन सकती हैं। हम उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम उस पर कोई कानून नहीं बना सकते, हम उस पर कोई जजमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। तो जिस तरीके से आज वो आया है, पूरे देश के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ठोस पहुंची है, उनको तकलीफ हुई है। और मैं सलाम करता हूँ अपने उन शेरनी बहनों को कि जिन लोगों ने अकेले खड़े होकर के 100 गिदड़ों को उस टाइम भी जवाब दिया था और पिटीशन फाइल करके कोर्ट में अपनी लीगल को लड़ाई को लड़ा था, तो उनको एकदम नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम लोग पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग उनके साथ हैं और आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इसको देख रहे थे, हमने कुछ लोगों से फ़ोन पे भी रब्ता किया है, कुछ बेंगलोर के हमारे साथी हैं उनसे बात हो रही है, तो वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट पे हमें थोड़ा सा देर है मगर अंधेर नहीं है, और न्यायपालिका पे भरोसा है कि जो गलती आज हुई है, जो मिस्टेक आज हुई है, उनको फैसला करने में मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा और देश के संविधान को बाकी रखते हुए, देश के कानून को बाकी रखते हुए उस पर सही फैसला करने की सही फैसला करेगा, ताकि उन तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। हम लोग अगर बात करें हिजाब की, तो बचपन में जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे तो हमारे एक टेबल पे हम लोग एक टिफिन में खाना खाते थे, हमारा साथी टीका लगा के आता था, हमारा भाई कड़ा पहन के आता था, धागा पहन के आता था, हमारे कुछ साथी क्रॉस का वो पहन के आते थे, कुछ पगड़ी पहन के आते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई आपत्ति नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं देश का माहौल ख़राब करने की साजिश है, देश में एक तरह का धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, मगर इस तमाम चीज़ों से मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता, कर्नाटक की जनता ऊब चुकी है। लोग अब मुद्दों की बात करना चाहते हैं, लोग अब रोजगार मांग रहे हैं, लोग अब सड़क मांग रहे हैं, लोग अब शिक्षा मांग रहे हैं, लोग अब स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएँ मांग रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप जो 24 का चुनाव पलटना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे अब पलटेगा। और अब मुझे, मैं अपील करूंगा तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए कि हमारे देश की अदालतों से कि उनको इन पर संज्ञान लेना चाहिए और उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो इस तरह का उन्माद फैला रहे हैं। हमारे साथ ठाकुर अनिल सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उन्माद काउंसिल के, वो अपनी बात आगे रखेंगे। देखिए, जो हिजाब के नाम पे जिस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है पूरे देश में, ये सबसे शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि ये हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर लोगों को अपने हिसाब से पहनने की, अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की ये इजाज़त हमारा संविधान ने दिया है। हम कोर्ट की हम जो है कि मुखालफत नहीं करते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि जो निचली स्तर की कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले। और जो मैं उन बहनों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने ये याचिका दायर करके और हिजाब के नाम पे जो लड़ाई लड़ी है, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल
के तरफ से कहता हूं कि उन बहनों के साथ राष्ट्रीय उर्मा काउंसिल पूरे देश में खड़ी है, और जो लोग इस तरह के धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उस धर्म के नाम पे हम लोगों को खत्म करना है। कोई हमारे देश में कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई गमछा लगाता है, कोई टीका लगाता है, तो इस चीज को हमको बरकरार रखना है। जिस तरह से फुलवारी में हर तरह का फूल होता है, सुंदर लगता है, उसी तरह से हमारे देश में हर धर्म के मानने वाले अगर एक जगह खड़े होते हैं तो हमारा देश एक सुंदर देश बनता है। इसको जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ से कहते हैं कि हम इसको बटने नहीं देंगे। इस पे हमको जो भी आंदोलन करना होगा हम रोड पे आकर के आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। और आखिरी बात ये कि हिजाब का जहां तक मसला है, मैं अपनी तमाम बहनों से कहूंगा, अपनी तमाम माओं से कहूंगा कि हमको शुरुआत अपने घरों से करनी चाहिए। हम अपने घरों में अगर पर्दा करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता उसको। तो अगर हम लोगों ने अडिक से उसको पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया इस चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक पाएगी। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला आएगा, हमारे हक में आएगा, देश के संविधान को बचाने वाला फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।